नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बाई क्लासेस में। और मैं आपका नितिन सर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ हीमोफीलिया के बारे में समझाने के लिए। और आज हम बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया जो होता है वो एक्स गुणसूत्र पर इसके गुण जीन्स पाए जाते हैं, जो सेक्स गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई। तो इसमें जो एक्स होता है गुणसूत्र, उस पर इसके जीन मौजूद होते हैं। इनके जीन में थोड़ा कुछ परिवर्तन होने के कारण इसमें क्या हो जाता है कि जीन के इसके जो लक्षण है वो अप्रभावी रूप से अप्रभावी रहते हैं। और इस रोग में रुधिर का क्लॉट बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन प्रभावित रहती है। तो जो रुधिर का जो क्लॉट बनता है उससे जो संबंधित प्रोटीन होती हैं वो इससे प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, तो जो रुधिर का क्लॉट बनता है वो किस लिए बनता है? रुधिर को शरीर से बाहर जाने से रोकने के लिए। और जबकि ये प्रोटीन जो होती हैं जो इससे संबंधित हैं, क्लॉटिंग से संबंधित हैं, वो इससे प्रभावित हो जाती हैं। जब जीन में चेंज आ जाते हैं तो ये जीन क्लॉटिंग बनने से रोक देते हैं, क्लॉटिंग बनने नहीं देते हैं। तो जिस कारण क्या है कि जो ब्लड है वो चोट लगने पर बहता रहता है, उसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो यह जो एकल प्रोटीन है जिसके कारण क्लॉट होता है, ये जो एकल प्रोटीन है, तो ये पूरी प्रोटीन श्रृंखला का एक छोटा सा एक अंश मात्र होता है। ये एकल प्रोटीन जो जिसमें इस जीन की वजह से जिसमें परिवर्तन आ जाते हैं, जीन में परिवर्तन आ जाते हैं, जिस कारण ये जीन एक छोटे से पार्ट को जीन श्रृंखला के एक प्रोटीन श्रृंखला के एक छोटे से पार्ट को एकल प्रोटीन को ये प्रभावित करती है। इस रोग में रुधिर का थक्का नहीं बनता है जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। रुधिर का थक्का नहीं बनता है लगातार जिसके कारण जो रुधिर है वो लगातार बहता रहता है। स्त्रियों में ये एक्स गुणसूत्र प्रभावित होने पर, स्त्रियों में तो दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। दो लिंग गुणसूत्र होने के कारण किसी एक लिंग गुणसूत्र में एक्स लिंग गुणसूत्र में अगर ये रोग हो जाता है, ये जीन में चेंजेस आ जाते हैं और प्रभावित हो जाता है, प्रोटीन को प्रभावित करता है, तो क्या है कि वह लड़की उस लड़की में या उस स्त्री में रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, रोग दिखाई नहीं देते हैं। ये केवल एक बाहक की तरह, ये स्त्रियां केवल एक बाहक की तरह काम करती हैं, कैरियर की भांति काम करती हैं। तो ये लक्षणों को, इस जीन को ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने का काम करती हैं, कैरियर का काम करती हैं बल्कि, और ना कि इसमें कोई रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि इनके पास दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, दो एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो एक और ये कैसा होता है? अप्रभावी होता है, इसके लक्षण अप्रभावी होते हैं। तो जो दूसरा एक्स गुणसूत्र होता है उसके उसमें जीन का प्रभाव, वो जीन जो होता है उसका प्रभावी गुण होता है, तो वो इसके अप्रभावी लक्षण को दबा देता है, जिस कारण लड़की स्त्रियों में केवल एक एक्स गुणसूत्र पर अगर ये जीन पाए जाते हैं तो उस स्त्री में हीमोफीलिया रोग नहीं पाया होता है, वह स्त्री हीमोफिलिक नहीं होती है। यदि स्त्री में दोनों एक्स गुणसूत्र एक्स लिंग गुणसूत्र में हीमोफिलिक कंडीशन आ जाती है, जीन में चेंजेस आ जाते हैं, तो जो हीमोफिलिक कंडीशन जो है स्त्री जो है हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो जाती है। जबकि पुरुष में केवल एक ही गुणसूत्र होता है, एक्स लिंग गुणसूत्र केवल एक ही होता है, उसमें भी अगर चेंजेस इस जीन में एक्स गुणसूत्र उपस्थित जीन में चेंजेस आ जाते हैं और उस चेंजिंग के कारण ये अप्रभावी लक्षण जो है हीमोफीलिक वो शो करने लगता है और एकल प्रोटीन है उसको प्रभावित करने लगता है, तो ये समझ लीजिए कि उसमें पाए जाने वाले एक लिंग गुणसूत्र इससे प्रभावित हो जाता है और हीमोफीलिया रोग उस पर प्रभावित हो जाता है और इस कारण पुरुष हीमोफिलिक हो जाता है। क्योंकि बाई क्रोमोसोम पर, बाई लिंग गुणसूत्र पर इसका कोई युग्म विकल्प भी नहीं होता है, इसलिए केवल एक एक्स गुणसूत्र हो जाने के कारण, एक एक्स गुणसूत्र में ये रोग उत्पन्न हो जाने के कारण पुरुष के अंदर इसके इस रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, ये से संबंधित है, एक्स गुणसूत्र में जीन होते हैं उनमें अप्रभावी लक्षण होता है और एक्स जीन से संबंधित होता है,
और ये जो होता है क्लॉट में बनने वाले, क्लॉट की जो क्रिया है, क्लॉटिंग की जो क्रिया है, उसमें बनने वाले एकल प्रोटीन से संबंधित है ये, ठीक है। स्त्रियों में केवल एक अगर गुणसूत्र प्रभावित, एक गुणसूत्र प्रभावित है तो वो क्या कैरियर होंगी। अगर दोनों लिंग एक्स गुणसूत्र प्रभावित हैं तो ये ग्रोग्रेस हो जाती हैं, और जबकि पुरुष में केवल एक ही एक्स होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, इसलिए अकेले एक्स गुणसूत्र के प्रभावित होते ही ये पुरुष रोगग्रस्त, हीमोफिलिया से रोगग्रस्त हो जाता है। अब जैसे कि हमने उदाहरण देखा, उदाहरण लिया है नीचे, उदाहरण में हमने ये लिया है कि नॉर्मल मेल लिया है, मतलब जो ऐसा मेल लिया है जो नॉर्मल है, एक्स वाई जिसमें गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई हैं, और एक कैरियर फीमेल ली है जिसमें एक एक्स तो नॉर्मल है और दूसरा जो एक्स है वो हीमोफिलिक है। अब इसके जो युग्मक बनेंगे तो नॉर्मल मेल के क्या बनेंगे, एक्स और वाई बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, और जबकि फीमेल के जो अंडाणु बनेंगे वो या तो नॉर्मल एक्स वाले बनेंगे या फिर हीमोफिलिक से ग्रसित एक्स वाले बनेंगे। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में, डबल एक्स अर्थात नॉर्मल फीमेल बनती है, एक्स वाई अर्थात नॉर्मल मेल बनता है, एक्स वाई एक्स मतलब हीमोफिलिक एक्स और वाई मतलब ये और हीमोफिलिक मेल बनता है, और एक्स हीमोफिलिक एक्स अर्थात ये कैरियर फीमेल बनती है। इस प्रकार क्या होता है कि ए जो लड़ स्त्रियाँ बन जो डॉटर बनती हैं उनमें एक तो नॉर्मल फीमेल होती है और एक कैरियर फीमेल होती है, और ऐसे बॉयज़ जो होते हैं उसमें एक नॉर्मल मेल होता है और दूसरा हीमोफिलिक फीमेल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल में जब क्रॉस कराया जाता है तो एक नॉर्मल फीमेल, एक नॉर्मल बॉय और एक कैरियर फीमेल और एक हीमोफिलिक बॉय का की प्राप्ति होती है। अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, एक हीमोफिलिक मेल ले लें जिसका एक एक्स है वो भी हो हीमोफिलिक है, और दूसरा जो है कैरियर फीमेल ले लें, इसमें एक एक्स ग्रोग्रस्त है मतलब हीमोफिलिक है, दूसरा इस नॉर्मल है, नॉर्मल एक्स है। इनके बीच युग्मक जो बनेंगे तो मेल के जो युग्मक बनेंगे वो एक्स हीमोफिलिक वाला एक्स बनेगा और वाई नॉर्मल बनेगा, और फीमेल कैरियर फीमेल में हीमोफिलिक एक्स बनेगा और नॉर्मल एक्स बनेगा। तो इसके बीच अगर फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा हीमोफिलिक फीमेल प्राप्त होगी, फिर एक एक्स फीमेल से आएगा और एक एक्स मेल से आएगा, और दोनों ही एक्स हीमोफिलिक होंगे तो भी फीमेल कैसी होगी, हीमोफिलिक होगी, और दूसरी जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, वो कैरियर फीमेल होगी। ऐसे बॉयज़ में देखेंगे तो एक बॉयज़ तो नॉर्मल बॉयज़ होगा और दूसरा जो बॉयज़ होगा वो हीमोफिलिक बॉयज़ होगा, ठीक। तो इस प्रकार हमें हीमोफिलिक मेल और कैरियर फीमेल के मध्य क्रॉस कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है कि एक जो डॉटर हैं वो 50% तो हीमोफिलिक फीमेल होती हैं और 50% कैरियर होती हैं, जबकि बॉयज़ जो होते हैं जो 50% नॉर्मल होते हैं और 50% हीमोफिलिक होते हैं। इसके बाद तो जो नेक्स्ट हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है, दूसरा चैनल है, इसमें गज केसरी बायो क्लासेस के नाम से जो चैनल है, और वो बीएससी, उसमें बीएससी की क्लासेस चल रही हैं, बीएससी की वीडियो डाउनलोड हम की कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के, बीएससी सेकंड ईयर के, बीएससी थर्ड ईयर के डाउनलोड कर रहे हैं, जूलॉजी के, बॉटनी के, केमिस्ट्री के डाउनलोड कर रहे हैं। तो कृपया करके आप उससे भी सब्सक्राइब कर लें, अगर कोई बीएससी वाले बच्चे हैं तो उन्हें आप हमारे वीडियो को शेयर कर दें, हमारे चैनल को शेयर करवा दें उनसे, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हमारा एक चैनल टेलीग्राम पर भी है, तो टेलीग्राम पर हमारा जो आईडी है वो है टेलीग्राम पे t.me/गजकेसरीनितिनवर्मा नाम से रहेगा। इसमें इसको टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें, जिससे कि उसमें हम जो पीडीएफ डालते रहते हैं उसे आप सेव करते रहें या फिर उसे आप नोट एक कागज़ में नोट करते रहें, ठीक है। अब देखते हैं,
हाँ, तो अब एक और अगला एग्जांपल देखते हैं, नॉर्मल मेल और हीमोफिलिक फीमेल का। तो नॉर्मल मेल और हीमोफिलिक फीमेल में देखिए, इसमें क्या दिखाया गया है कि नॉर्मल मेल जो है एक्स वाई, और हीमोफिलिक फीमेल जो है एक्स डबल एक्स, और दोनों ही हीमोफिलिक हैं एक्स, इनके मध्य अगर युग्मक बनाए जाते हैं तो युग्मक जो बनते हैं एक्स नॉर्मल मेल में बनेंगे, नॉर्मल मेल में बनेंगे एक्स और वाई युग्मक बनेंगे, हीमोफिलिक फीमेल में बनेंगे एक्स हीमोफिलिक वाला और दूसरा एक्स भी हीमोफिलिक वाला। इनके बीच फर्स्ट जनरेशन में जब हम रिएक्शन कराएंगे, फर्स्ट जनरेशन जब क्रॉस कराएंगे, तो हमें फर्स्ट जनरेशन में प्राप्त होंगे कैरियर फीमेल प्राप्त होगा, कैरियर दोनों कैरियर फीमेल प्राप्त होंगे, दोनों ही कैरियर फीमेल प्राप्त होंगे, ठीक है। और जो बॉयज़ प्राप्त होंगे वो दोनों ही हीमोफिलिक मेल प्राप्त होंगे। तो 50% जो ऑफिस होंगी वो कैरियर हो जाएंगी और 50% ऑफिस के हीमोफिलिक हो जाएंगी। या हम ये कह सकते हैं कि जो सन्स हैं वो हीमोफिलिक हो जाएंगे और सभी डॉटर कैरियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार इस बारे में अगर नेक्स्ट उदाहरण को हम देखते हैं, नॉर्मल फीमेल और हीमोफिलिक मेल में। नॉर्मल फीमेल जो है उसमें एक्स और एक्स दोनों ही नॉर्मल रहेंगे, और एक्स और युग्मक भी इनके नॉर्मल ही एक्स वाले बनेंगे, और हीमोफिलिक मेल में एक एक्स हीमोफिलिक होगा, इसलिए एक्स जो हीमोफिलिक युग्मक बनेगा और वाई नॉर्मल वाला बनेगा, इस शुक्राणु स्पर्म। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो जो फर्स्ट जनरेशन में हमें संतानें प्राप्त होंगी, तो इसमें जो ऑफिस में प्राप्त होंगी वो एक तो करियर फीमेल प्राप्त होगी, दोनों ही फीमेल करियर फीमेल प्राप्त होंगी, ठीक है। और दोनों ही मेल जो होंगे वो नॉर्मल मेल प्राप्त होंगे। इसका मतलब 50% जो ऑफ संतानें जो हैं वो करियर होंगी और 50% संतानें नॉर्मल होंगी। अब इसी फर्स्ट जनरेशन के जो डॉटर और सन प्राप्त हुए, इनके बीच में अगर इस प्रकार के इनके मध्य अगर क्रॉस कराया जाए तो जो युग्मक प्राप्त होंगे फीमेल के वो एक्स और इस फीमेल हीमोफिलिक एक्स प्राप्त होगा, और जो मेल के जो प्राप्त होंगे वो नॉर्मल ही होंगे। अब इनके बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो एफ टू जनरेशन में नॉर्मल फीमेल प्राप्त होगी डबल एक्स की, और करियर फीमेल प्राप्त होगी एक हीमोफिलिक एक्स और इस नॉर्मल एक्स की, और हीमोफिलिक मेल प्राप्त होगा और एक नॉर्मल मेल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो डॉटर प्राप्त होंगी वे 50% डॉटर तो नॉर्मल होंगी, वो 50% डॉटर करियर होंगी, और जो सन प्राप्त होंगे वो 50% सन हीमोफिलिक होंगे और 50% सन नॉर्मल होंगे। इस प्रकार हमें एफ टू जनरेशन में रेशो प्राप्त होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो जरूर समझ में आ रही होगी और मेरी वीडियो पसंद भी आ रही होगी, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल का नाम है डॉक्टर नितिन वर्मा, और मेरे टेलीग्राम पर भी मेरा खाता खुला हुआ है, तो इसमें भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, वहाँ भी जाके इसे ज्वाइन कर लें, जिसे जो नाम है गजकेसरी नितिन वर्मा नाम से टेलीग्राम पर हमारा खाता खुला हुआ है, उसे ज्वाइन जरूर कर लें, जिससे कि उसमें जितनी भी हम वीडियो करते हैं उन सबके PDF जो होते हैं उसी में हम डालते रहते हैं, तो उसे आपको सारी सारी PDF मिल जाएंगी। जो BSc की होती हैं वो भी उसमें डालते रहते हैं, और जो इंटर की 11th 12th होती है वो भी उसमें डालते रहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कोई डिसीज़ के बारे में हम लेके आएंगे। आज हीमोफीलिया कंप्लीट कर दिया किसी, और कल अगर नेक्स्ट वीडियो में हम वर्णांधता को लेकर आएंगे, ठीक है।